दोस्तों, मेरा नाम आरती है और आरती आत्माराम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चोको सीड्स बार बनाएंगे, तो उसके लिए चाहिए तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, कद्दू के बीज, रोल्ड ओट्स, ओट्स पाउडर, चिया सीड्स, खसखस, बटर, काजू, शहद, बादाम, खजूर। खजूर को मैंने सीड्स निकाल के थोड़ा मैश किया हुआ है हाथ से, और डार्क चॉकलेट। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में रोल्ड ओट्स कम फ्लेम पे हल्का हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए हल्का ब्राउन कलर आ गया है इनको। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में बादाम, काजू, इनके मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, तरबूज, खरबूज और कद्दू, ये तीनों बीजों को इसमें डाल देंगे। अब इन सब को हम 2 से 3 मिनट तक हल्का हल्का भूनेंगे, कम फ्लेम पे भूनना है। ये मैंने भून लिया है, अब इसको भी बाउल में निकालना। ये मैंने ऑलरेडी बटर पैन में डाला हुआ है। अब इसमें हम खजूर डालेंगे। खजूर को 2 मिनट तक इसमें अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें खसखस और चिया सीड्स, ये दोनों अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें भुने हुए सारे सीड्स मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खजूर इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स होने के बाद इसमें हम शहद डालेंगे। शहद को भी थोड़ा मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई नीचे उतार के सारा सामान अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ओट्स पाउडर डालेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद सबसे आखिर में हम डालेंगे डार्क चॉकलेट। हमारे ये सारे बीज ऑलरेडी थोड़े से गर्म हैं, इसलिए ये चॉकलेट इसमें घुल जाएगा, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक प्लेट में फूड रैपर या प्लास्टिक रख के हम ये सारी सामग्री उसमें डाल के शेप्स में प्रेस कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे फूड रैपर यूज़ किया हुआ है। अभी इसको हम प्लास्टिक की मदद से ही प्रेस करेंगे और स्क्वायर शेप बना लेंगे। ये मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब इसका प्लास्टिक निकालेंगे। और इसको बार्स के शेप में कट कर लेंगे। ध्यान रहे चाकू को हमें ऊपर से नीचे कट करना है। अब इस चोकोबार को हम प्लेट में निकाल लेंगे।
ये हमारे चोको सीड्स बार रेडी हो चुके हैं।